नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कबीर के दोहे। आप जानते हैं कबीर दास कौन थे? जी हाँ, कबीर दास जी हिंदी के महान रचनाकार थे। उन्होंने अपनी बातों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए दोहों का सहारा लिया। उन्होंने दोहों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और सही मार्ग पर चलने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया। हमें समझाया समय का महत्व, बोली का महत्व और हमारे व्यवहार का महत्व। हमें किस तरह का व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना लिखना चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार हो, सभी से संबंधित बातें उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हम सभी को बताई, हमें समझाई। इन दोहों को पढ़कर हमें जीवन जीने का सही तरीका पता चलता है, सही मार्ग मिलता है। मार्ग अर्थात रास्ता, सही रास्ता कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बहुत अमूल्य है। तो यह जो पाठ है कबीर के दोहे, आपकी अर्हुल पुस्तक का पाठ 6 है, जिसका नाम है कबीर के दोहे। अच्छा, आपको पता है स्वयं जो कबीर दास जी थे वो बहुत साधारण जीवन जीते थे, और इसी साधारण जीवन के चलते वो हम सभी को इन सभी बातों के लिए प्रेरित करते थे। बड़े सुंदर ढंग से जब उनके दोहे गाए जाते हैं तो मन मुग्ध हो जाता है। इसलिए आप सभी न केवल इन दोहों को पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे और गाकर एक अपनी वीडियो बनाकर भी मुझे भेजेंगे, ठीक है? और गायन का तरीका भी आपका बहुत सुंदर होना चाहिए। सारे दोहे आपको नहीं गाने हैं, केवल कोई भी दो दोहे जो आपको पसंद आए। सबसे ज़्यादा पसंद तो आपको सारे आएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगे उन्हें आप गाएंगे, ठीक है? और मैं अब इनको, आप सभी को इनका भावार्थ समझा देती हूँ, जिससे कि आप इन्हें समझ सकें। क्योंकि कबीर दास जी की जो भाषा है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा, तो अब समझाने से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं कबीर के दोहे, ठीक है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सारे सारे को गहे रहे थोता दे उड़ाए, कबीरा थोता दे उड़ाए। जी हाँ, कबीर दास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, कि साधु अर्थात व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, एक सज्जन पुरुष को ऐसा होना चाहिए जैसा सूप सुहाए, जैसा कि सूप होता है। सूप क्या होता है पता है आपको? सूप होता है जिससे अनाज साफ किया जाता है, फटकते हैं और उसे अनाज को हम साफ करते हैं, तो उसे क्या होता है कि वो सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए, कि जिस प्रकार जो सूप होता है वो सार सार सही जो चीज़ें हैं उन्हें रख लेता है, और जो खाली अनाज होता है, थोथा अनाज होता है, उसको उड़ा देता है। अर्थात जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको उड़ा देता है, और जिस अनाज में खाने योग्य वस्तु, खाने योग्य जो चीज़ है वो होती है,
उसको वो अपने अंदर समा लेता है। तो सज्जन को भी ऐसा ही बनना चाहिए कि वह जो बुराइयां हैं उनको उड़ा दे और जो अच्छाइयां हैं उन्हें अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। जी हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कि खजूर के पेड़ की तरह अगर आप बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। पंथी को छाया नहीं, क्योंकि इस लंबे वृक्ष से ना तो पंथी अर्थात राहगीर को छाया मिलती है और फल भी बहुत दूर लगता है, जो किसी की भी पहुंच से बाहर होता है। अर्थात ना तो ऐसे पेड़ की छाया है और ना उसका फल ही हमें मिल सकता है, आसानी से हमें फल मिल सकता है, तो ऐसे बड़े पेड़ बनने का क्या फ़ायदा है। अर्थात अगर आप बहुत बड़े महान व्यक्ति बन जाते हैं, बहुत बड़े किसी बहुत बड़े स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर आप किसी के लिए सुलभ नहीं हैं, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बड़ा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों दोहे आपको समझ आ गए होंगे, आगे बढ़ें। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। जी हाँ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा ही सुंदर दोहा है, कबीरदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों के प्रयोग से और बड़े ही आसान तरीके से वाणी के मूल्य को समझाया है। और बच्चों, वो यही कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए, ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, कि सुनने वाले अपने मन के ऊपर जो है, जो उनका कंट्रोल है, जो उनका नियंत्रण है, वो उसे खो दे, मंत्रमुग्ध हो जाए आपकी बात सुनकर। क्योंकि जो मीठी वाणी है क्या करती है, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए, कि जो मीठी वाणी है, हम किसी के साथ विनम्रता से जब हम बात करते हैं, तो ऐसी वाणी, ऐसी भाषा न केवल औरन अर्थात दूसरों को, अर्थात सुनने वालों को शीतलता प्रदान करती है। शीतलता प्रदान करने से मतलब ठंडक नहीं है, शीतलता मतलब कि उसे उन्हें वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप हूँ शीतल हो, और मीठी वाणी बोलने से हम खुद भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब आप किसी से चिल्ला कर बात करते हैं तो आप खुद परेशान हो जाते हैं, है ना, हमारा भी मूड ख़राब हो जाता है जब हम किसी से चिल्ला कर बात करते हैं। लेकिन जब हमसे कोई प्यार से बात करता है या हम किसी से प्यार से बात करते हैं, तो न केवल सुनने वाले को अच्छा लगता है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति जो है वो प्राप्त होती है,
और इसीलिए यह आवश्यक है कि हम मीठी वाणी का प्रयोग करें, सभी के साथ मीठा बोलें। तो आप इन तीन दोहों को बड़े ध्यान से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दोहे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।